करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पलामू जिले के तरसी प्रखंड क्षेत्र के हरका सुखी ठाकुर बारी शिव मंदिर के प्रांगण में बुधवार को लक्ष्मी पूजा पंच दिवसीय मानस सम्मेलन के 23वां अधिवेशन का शुभारंभ आर्क पंचायत के मुखिया बबन प्रसाद पानसंसपति भोला मियाँ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुखिया ने कहा कि मानव जीवन का दर्पण है रामचरितमानस, सभी मनुष्य को पढ़ना चाहिए और रामचरितमानस एक एक शब्द और छंद को अपने जीवन में उतारना चाहिए। पांच दिवसीय सम्मेलन में रात्रिकालीन राम कथा, भागवत महापुराण की कथा, पलामू के बगही से पंडित रघुवंश पांडे ने कहा कि मानव जीवन के कल्याण के लिए और असुर शक्ति के नाश के लिए भगवान राम 14 वर्ष वन में रहे। आप सबको रामचरितमानस से सीख लेना चाहिए। धर्म की झंडा और मानवता को बचाने के लिए कष्ट भी सहना पड़े तो सहना चाहिए। उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ की धरती बनारस से पधारे पंडित संतोष द्विवेदी ने शिव विवाह की चर्चा करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध भावन शंकर ने मानव कल्याण के लिए शादी की और मैया पार्वती को अमर कथा श्रवण कराए। उन्होंने कहा कि इस कलयुग में मनुष्य अगर राम कथा कराए और सुने तो मानव कल्याण के साथ जीवन सुगम और सुलभ बनेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मध्य प्रदेश माँ शारदे मैयर की धरती से पधारे पंडित आदित्य प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि मनुष्य केवल अपने घर परिवार बच्चों को रामचरितमानस की शिक्षा दे तो समाज से घर से क्लेश समाप्त हो जाएगा और सब समाज की स्थापना होगी। मौके पर शंकर शुक्ला, सनी प्रसाद, नीरज पांडे, रामविलास साव, विजय तिवारी, विश्वनाथ रजक, सुखलाल साहू, दिनेश प्रसाद, दीपक कुमार, राजू कुमार, मिथिलेश कुमार, राहुल कुमार, पिंकू कुमार सहित काफ़ी लोग शामिल थे। सम्मानित दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सदस्यगण, वो धर्म धर्म कहलाने का अधिकारी नहीं है जिस धर्म में सत्य का पालन ना किया जाता हो। इतनी बड़ी बढ़िया बात कहता है, बोले उस धर्म को धर्म, अरे कहे हम क्या, जिस धर्म में सत्य प्रथा ही न हो। बोले उस मित्र को मित्र, अरे कहे हम क्या, जिसमें